जी हाँ, HCF और LCM बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, देखने में हमने किए भी होंगे पहले, लेकिन हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में विद ट्रिक्स इनको करने की, ताकि हमें एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। वैसे जो सी टेट की बात करें या टेट की बात करें, हमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं इनके, सिंपल ही आते हैं और आसान होंगे करने। तो किस तरह करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि HCF होता क्या है दोस्तों। HCF की फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ, जैसा कि नाम में ही है कॉमन। इसमें अपन क्या लेंगे, जो कॉमन होगा, जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनमें से जो कॉमन होगा वो अपने को निकालना है। और LCM होता है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि इसमें जो गुणज है वो निकालना है अपने को, हाईएस्ट गुणज। ठीक है दोस्तों, तो HCF और LCM फुल होगी, हिंदी में बोलते हैं इनको हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि मैं आपको बताऊं बहुत ही सिंपल तरीके से, एक बेसिक जो है वो चीज़ बताता हूं मैं आपको। कोई संख्या आपने को दिया भाई 6 और 10। फ्रेंड्स 6 और 10 है अपने पास, 6 और 10, इनका बोला जाए HCF और LCM दोनों ही निकालना है। तो वो किस तरह निकालेंगे, अपने पास विधि है गुणनखंड विधि, आप जानते हो गुणनखंड करते हैं हम इनके 6 के और 10 के गुणनखंड कर सकते हैं अलग अलग करके और इनका निकाल सकते हैं। तो वो किस तरह निकालेंगे एक बार वो बता देता हूँ, और वो शॉर्ट में किस तरह करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ एक बार। तो 6 और 10 इसका मैंने गुणनखंड किया, हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटी संख्या से भाग देने की, 2 का जाएगा 3, उसके बाद 3 का दोस्तों आ गया 1। अब ये क्या हो गया आपका 2 और 3, इसके 2 गुणनखंड आ गए, हमने लिख दिया 2 × 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपना 10, 2 का भाग दिया 5, इसमें फिर 5 का ही जाएगा 1, अपने पास फिर 2 संख्या आ गई 2 × 5। ये इसके क्या आ गए दोनों के गुणनखंड, 6 और 10 के गुणनखंड करने हमें सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या करना है, HCF में जैसा कि नाम में था कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखेंगे यहाँ 2 इसमें है, इसमें है बिल्कुल कॉमन है, यहाँ पे हमने लिख दिया, 3 इसमें नहीं है और 5 इसमें नहीं है, तो इसको HCF में हम नहीं लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 6 और 10 का। नेक्स्ट LCM कैसे निकालेंगे दोस्तों, LCM निकालेंगे गुणनखंड वही करने हैं, सेम प्रोसेस। उसके बाद हमें मैक्सिमम संख्या लेनी है, यानी कि जैसे कि अपना 2 है, तो 2 कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमें 1 लेना ही लेना है। नहीं तो अगर 2 इसमें 2 होते या इसमें ज़्यादा होते तो वो संख्या लेंगे, मैक्सिमम नंबर लेने हमें से। तो 2 है तो 1 बार ही हमने लिख दिया, फिर 3 लेना है, इसमें 3 है नहीं तो 1 ही दिया जाएगा, 5 इसमें नहीं है, 1 ही अपने पास, तो 1 तो लेना ही लेना है। तो 5 थी 15, 15 × 30, ये आपके आ गया दोस्तों क्या, LCM ऑफ 6 और 10। सिंपल है, HCF कितना आया 2, 30। अगर हम वैसे देखें, अगर एक मैं आपको बताऊं सिंपल वाली चीज़ कि इन दोनों को गुणा करें हम, LCM इंटू HCF बराबर संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड बराबर होते हैं। जी हाँ, LCF कितना है अपना यहाँ पे 30 है LCM, और 2 ये है, संख्या कितनी है 6 × 10, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ये बराबर होता है। ये समझने वाली चीज़ है कि हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणज LCM और HCF के गुणज के बराबर होता है। तो इस तरह से हम LCF और HCF निकालते हैं, हमें गुणनखंड करने हैं और उनको करना है। अब इसको शॉर्ट तरीके से यानी उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हैं वो आपको बताऊँ एक नेक्स्ट उदाहरण लेके, ये तो मैंने एक बेसिक बता दिया आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे दोस्तों अपना 12 है 15 और 18, इन तीनों का हमें LCM और HCF निकालना है दोस्तों। तो वो किस तरह निकालेंगे एक ईजी वे में, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे, हम इनको ऐसे ही लिखेंगे 12, 15 और 18, और यहीं पे इसके संग साथ साथ ही गुणनखंड कर लेंगे अलग अलग नहीं, ताकि अपने समय की बचत हो। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें देखना ये है कि 12, 15, 18 तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है कॉमन जिसका भाग चल जाएगा। ये नहीं है कि हम 2 से शुरू करेंगे या नहीं, हमें ये देखना है कि भाग तीनों में किसका जाएगा वो देखना है। तो इसमें किसका चल जाएगा दोस्तों, 3 का, आसानी से चल जाएगा, 3 × 12, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, 3 का भाग इन तीनों में चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखना है इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका भाग
चल जाएगा इजीली, तो नहीं जाएगा कॉमन किसी भी संख्या का नहीं जाएगा। तो अपना HCF क्या हो गया, 3, आंसर यहीं आ जाएगा। जिस समय अपना नीचे कोई संख्या कॉमन भाग नहीं जाता है, अपना आंसर ऊपर आ जाएगा, जो संख्या बची हुई है 3 आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट HCF तो आ गया, LCM कैसे निकालेंगे यहीं पे। नेक्स्ट हम अब इन तीनों संख्याओं को अलग अलग सोल्व करना है, तो इसमें 2 का दीजिए 2, 5 का 5 ही रह जाएगा, हमें इसको छेड़ना नहीं है अभी, और 3 फिर से 2, ये 1 हो गया, ये 5 है और ये 3 है। फिर 3 का दीजिए, ये 1 तो है ही, ये 5 ही रहेगा, इसमें 3 एकम 3, यहाँ 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अब 5 बचा है तो 5 का दे देंगे, 1 1 1, तीनों 1 1 आते ही हमें वहीं ख़त्म कर देना है और इनको आपस में गुणा कर देना है। 5 3 15 15 2 30, 30 2 60, और साथ में इसको भी लेना है, 60 3 180, ये आपका इस संख्या का LCM आ जाएगा और ये आपका HCF। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है दोस्तों, ये है अपनी जो नॉर्मल संख्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है तो दोस्तों, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है CTT में, लेकिन अपना बेस है वो मजबूत होना चाहिए, इस तरह के समय की बचत कर सकते हैं, ना कि हम अलग अलग करें बल्कि इस तरह करें तो ज़्यादा बेटर होगा। धन्यवाद। अब जो मेन बात आती है, जो टफ क्वेश्चन की बात आती है, डेसीमल नंबर। जी हाँ, डेसीमल नंबर अगर आपने सुना हो, डेसीमल नंबर यानी कि दशमलव जो संख्या है उसका हम किस तरह निकालते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है दोस्तों। दशमलव संख्या का हम किस तरह निकालते हैं कोई भी, तो एक एग्जांपल जैसे मैं आपको देके बताऊं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। दशमलव संख्या आपके पास आ जाए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक एग्जाम्पल है अपने पास 1.20 एंड 1.60, ये एक एग्जांपल है किसका दोस्तों, डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, दशमलव में अपने संख्या दी हुई है और बोला जाए कि LCM और HCF दोनों निकालने हैं, तो किस तरह निकालेंगे, वही सेम विधि निकालनी है। बस करना इतना है कि यहाँ पे हमें इसको दशमलव को भूल जाना है कुछ समय के लिए और इसको लिख देंगे 120 और 160, इस तरह लिख देंगे और इसके वही प्रॉपर वे में गुणनखंड कर देंगे हम। समझ आया दोस्तों? अब इसमें नेक्स्ट जो स्टेप लेनी है अपने को, वो क्या लेनी है, वही गुणनखंड करने हैं। तो पहली ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग चल जाएगा, वो अपने को देखना है। तो इसमें 2 का ही चल जाता है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 60 यहाँ पे आ जाएगा, 80, समझ में आ रहा है आपको, भाग देना है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट फिर से 2 का जाएगा, 30 दोस्तों, 40 फिर से 2 का दीजिए दोस्तों, 15 और 20, इसमें कितने का चल जाएगा दोस्तों, कॉमन अभी भी जा सकता है, दोनों संख्याओं में कॉमन बिल्कुल जाएगा, इस अब जाएगा दोस्तों 5 का, यहाँ पे 5 का, 5 3 15 और 5 4 20, अब यहाँ पे कॉमन भाग नहीं जाएगा दोनों में अलग अलग संख्याओं का जाएगा, तो अपन यहीं रुक जाते हैं और इनको गुना कर देते हैं, 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, यानी कि 40 अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, HCF। आ गया समझ में? जहाँ कॉमन भाग नहीं जाए, जहाँ दोनों में भाग नहीं जाए किसी एक संख्या का, उससे ऊपर की संख्याओं को आपस में गुना करते ही अपना HCF आ जाता है। नेक्स्ट अब LCM के लिए क्या करेंगे, 3 एक आ गया दोस्तों, 4 और इसमें 4 का ही जाएगा, तो अपन सीधा इस डायरेक्ट इसको भी गुना कर सकते हैं 4 और 3 को, तो 40 तो अपने पास आ ही गया था ऊपर वाला गुना, अब 40 के गुना में ये 3 और ये 4 गुना कर देंगे, सिंपल अपना आंसर आ जाएगा, 4 3 12, ये लीजिए दोस्तों 480, इसका क्या हो जाएगा LCM। ठीक है दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर का क्या करते हैं दोस्तों, HCF LCM निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको इसी तरह करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, अभी निकला नहीं है अपना आंसर जो है, वो उस पर ध्यान देना है, 480 अपना आंसर नहीं है यहाँ पे अपना आंसर 40 नहीं है। अब क्या करना है हमें, दशमलव जो है वो देखना है कि कितने संख्या पे लग रहा है, 2 पे, तो अपने को वही करना है, यहाँ पॉइंट लगा देना वही 2 संख्या पे, तो इसका ये आएगा LCM 480 और HCF क्या आ जाएगा दोस्तों, वही 2 पे, यानी कि 0.40 इसका HCF किसका आएगा दोस्तों, 1.20 और 1.60 का, यानी कि जो हमने पॉइंट लगाए हैं, जितने बिंदुओं पे पॉइंट है 2 पे हैं, वही उसके आंसर में जो आएगा गुणनखंड, इसके गुणनखंड में लगा देने, तब अपना आंसर नहीं आएगा, ताकि कई बार हमें याद नहीं रहता है 480 और ये 40 ही कर देते हैं, तो ये अपना गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो ये दशमलव डेसिमल नंबर का इस तरह करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अपने पास है 0.60, 0.9 एंड 0.12, ठीक है दोस्तों।
तो किस तरह करते हैं इसका, ये हमें क्या करना है, पता लगाना है कि हम इस तरह के क्वेश्चन का किस तरह करेंगे। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, ये वही बात है मैंने बताया था आपको। पहले तो हमें ये संख्या बराबर कर लेनी है, कौन सी, जो संख्या यहाँ दी हुई है दोस्तों आपके सामने 0.6, 0.9 और 0.12। हमें यहाँ पे दिख रहा है 1, 2 दो संख्या है, तो यहाँ भी अपन क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, और यहाँ भी 2, ये संख्या बराबर करनी है हमें। सबसे पहला जो स्टेप अपना यही रहेगा, नेक्स्ट उसका हम लिख लेंगे पॉइंट हटा के सेम लिख देंगे 60, 90 और 12। आया समझ में दोस्तों? अब क्या करना है हमें, अब इसमें हमें वही है कॉमन जो चीज़ का भाग जाए वो देना है। सिंपली हम देंगे 30, 45 एंड 6, चला गया। अब इसमें कॉमन किसका भाग जाएगा दोस्तों, 2 का नहीं जाएगा, 3 का चल जाएगा। अब यहाँ पे 3 का दे देंगे 10, 15 और 3। अब इसमें देखिए कॉमन किसका भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, किसी का नहीं जाएगा, तो अपना इसमें क्या हो गया, HCF क्या हो गया अपना 6, और पॉइंट कितने पे लगा हुआ है दोस्तों, 2 संख्याओं पे, तो इसका क्या हो जाएगा 0.06 हम लिख देंगे, ये क्या हो गया आपका HCF। गॉट इट? अब नेक्स्ट क्या निकालना है, LCM कैसे निकालेंगे, वही हमें अब अपन किसी का ही भाग दे सकते हैं सोल्व करने के लिए। 10 रह जाएगा यहाँ पे, 5 और 1 हो गया, अब इसमें 5 दे देंगे, 2, 1 और ये 1 हो गया, अब लास्ट में 2 का 1 और 1, जहाँ ही तीनों 1-1 आ जाए अपना ख़त्म, और ऊपर इनको आपस में गुना कर देंगे, 5 × 10, 10 × 10 = 30 और 30 × 90 और 90 × 180, अपना क्या आ गया, LCM नहीं आया, अभी जो पॉइंट है वो लगाना बाकी है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट है, 2 पे, तो यहाँ 2 छोड़ के अपन ने 1 पॉइंट लगा दिया, ये क्या आ गया LCM। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर का LCM और SCF दोनों बहुत ही ईजीली निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ईजी है। तो आज की क्लास में समय को ध्यान रखते हुए दोस्तों ये दशमलव संख्या का निकाला और बेसिक सीखा। आगे भी मैथ से संबंधित और बाकी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो आती रहेंगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल से जुड़ें, और अगर कोई सजेशन हो तो आपका वो कमेंट बॉक्स में डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक हमारे लिए, क्योंकि कोई भी दिक्कत आती है तो हमें भी उसका पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और आगे फॉरवर्ड करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।